नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ये एक आपने झलक देखी लखनऊ से लेकर, हाथरस से लेकर लखनऊ तक आज क्या होने वाला है, क्योंकि पूरे देश को हिला देने वाले हाथरस कांड में इंसाफ की लड़ाई आज हाई कोर्ट की दहलीज पर लड़ी जाएगी। इस वक्त हाथरस की पीड़िता का परिवार हाथरस और लखनऊ के रास्ते पर है और कुछ ही देर में परिवार लखनऊ पहुंच जाएगा। पुलिस की 6 गाड़ियों के साथ कड़े पहरे के बीच परिवार को लखनऊ पहुंचाया जा रहा है। इस काफिले में एसडीएम भी मौजूद हैं। आज पूरा परिवार इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होगा। परिवार कोर्ट को यह बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ है। परिवार जो कुछ भी कहना चाहता है, जो कुछ भी 14 सितंबर से लेकर अब तक उनके साथ हुआ, सिलसिलेवार तरीके से कोर्ट को इसकी जानकारी परिवार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी भी आज कोर्ट में होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, हाथरस के डीएम, हाथरस के एसपी, इन सबको हाईकोर्ट ने पेश होने के लिए कहा है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था जब पीड़िता का शव जलाया गया और कोर्ट का यह कहना था कि मौलिक अधिकारों का क्या हनन हुआ है पीड़िता और उसके परिवार का, और इसे लेकर सरकार को और जो प्रशासन है उसे कोर्ट ने तलब किया था। लेकिन पिक्चर आज साफ हो गया और इसीलिए आज पूरे देश की नजर हाईकोर्ट पर है, हाथरस की सुनवाई पर है। आपको हम ये भी बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार हलफनामा दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भयावह बताया था, डरावना कहा था। पेच कई है इस मामले में, कई अनसुलझे पहलू हैं, कई परतें हैं, अलग अलग पक्ष और उनकी अपनी दलीलें हैं, और इसी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बनाई, वो जांच कर रही है। लेकिन जांच सीबीआई की भी शुरू हो गई है। बीती रात सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची है। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई हमारी, उसके बारे में बताया कुछ है। सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाहिए? ये तो देखो, जाएंगे जब लगेगा तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले आने लाने के लिए। आपका कोई वकील है वहाँ पर? हाँ, वकील हमारे पहुँच चुके हैं। अच्छा, क्या क्या रहेगा आपका, क्या बताना रहेगा वहाँ पर? बताना ये है जो 29 तारीख को हमारी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ जो होगी हमारे साथ हुई होगी। जिस तरीके से आपकी बहन को पुलिस प्रशासन ने बिना उसके मतलब जला दिया था, बिना दिखाया, क्या उसकी शायद वहाँ रखेंगे, पर्च रखेंगे? जी हाँ, हो गया था। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाईकोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? ठीक है। अच्छा, दूसरा यह है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने के बताएंगे। तो पीड़ित परिवार की बात आपने सुनी, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर 6 गाड़ियों के कड़े पहरे के बीच परिवार पहुंच रहा है लखनऊ, क्योंकि आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना है और कोर्ट को वो बताएंगे कि उनके साथ 14 सितंबर से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। तो ये आज के बड़े अपडेट है जो आपको हम हाथरस मामले पर बता रहे हैं। परिवार रवाना हो चुका है, हालांकि इससे पहले परिवार ने यह कहा कि वो रात के समय सफर नहीं करना चाहते, इसलिए आज सुबह 5:30 से 6 बजे के करीब उन्हें रवाना किया गया है हाथरस से। और सीधे आपको इस वक्त हम ग्राउंड पर ले चलते हैं, क्योंकि ग्राउंड से हमारे साथ हाथरस से जितेंद्र मौजूद हैं, लखनऊ में कोर्ट से हमारे साथ कुमार अभिषेक मौजूद हैं और शिवेंद्र सफर कर रहे हैं परिवार के साथ ही। मेहमान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ इस पैनल में। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं, आप राज्यसभा के सांसद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जफर इस्लाम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। और कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले शिवेंद्र, आप ये बताइए, परिवार कहां तक पहुंचा है अभी, कितना समय और लगेगा लखनऊ पहुंचने में? देखिए मीनाक्षी, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर का रास्ता अभी और बचा है, जो कि करीब 1 घंटे 1.25 घंटे में पूरा होगा। और हमारे बगल में ही पूरी फ्लीट, पूरा कॉन्वॉय चल रहा है जिसमें तमाम लोग मौजूद हैं, वो आपको दिखाना चाहेंगे। ये बगल में 6 गाड़ियां हैं जिनमें भारी सुरक्षा के साथ पीड़ित परिवार को ले जाया जा रहा है। और सुबह 6 बजे ये लोग हाथरस से निकले थे और अभी तक रास्ते में कहीं भी फ्लीट को, कॉन्वॉय को रोका नहीं गया है और वो सीधे
कोर्ट यहां से जाएंगे और उसके बाद जब सुनवाई होगी उसके बाद वापस भी इनको लेके आना है। तो इसमें जो ये कन्वॉय देख रहे हैं आप, इसमें एसडीएम, इसमें सीओ, इसमें तमाम पुलिस के सुरक्षा अधिकारी, जिस तरह से कोर्ट का निर्देश था कि परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है सरकार, और इसीलिए इस तरह का इंतजाम किया गया जिसमें कि कोई भी चूक न होने पाए। और साथ ही साथ जो घर है पीड़िता का, उस घर पर भी सीसीटीवी कैमरा, रजिस्टर के मेंटेनेंस, इसके अलावा सुरक्षा कर्मी, इसके अलावा डीआईजी दो तैनात किए गए तो मॉनिटरिंग कर सके वो, ये सारे इंतजाम किए गए ताकि जब कोर्ट के सामने सरकार के अधिकारी अपना पक्ष रखें तो वो साफ तौर पर कह सकें कि पीड़िता की को कोई कमी नहीं की गई है। क्योंकि पीड़िता की तरफ से शंका जाहिर की गई थी कि उनको खतरा है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और इन्हीं सब मुद्दों पर आज सुनवाई और इसी पे बात होनी है। स्वतः संज्ञान लेने की वजह से कोर्ट तमाम तरीके के निर्देश ये सब सुनने के बाद दे सकता है, और इन सब से पहले सरकार हर तरीके का इंतजाम वो कर लेना चाहती है जिससे कि कहीं कोई चूक उनकी न लगे और उनकी मंशा गलत न साबित हो। ठीक है शिवेन, मैं लौटती हूँ आपके पास। शिवेन, हमें जानकारी दे रहे हैं कि 70 किलोमीटर का सफर और रह गया, उसके बाद सीधे परिवार पहुंचेगा कोर्ट। ये काफिला भी आप आज तक के कैमरे के जरिए इस वक्त देख रहे हैं, और सीधे अब रुक कर लेते हैं हम कुमार अभिषेक का, आप लखनऊ में मौजूद हैं। कुमार, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार हलफनामा दे चुकी है जिसमें डिटेल में उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ है और उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई, जो कदम उठाए गए। सबसे बड़ी किरकिरी यूपी सरकार की हुई थी इस बात को लेकर कि आखिर आधी रात में कैसे पीड़िता का शव जला दिया गया। हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि क्या ये मौलिक अधिकारों का हनन है, और इस पर आज जवाब देना है सरकार को। क्या तैयारी है सरकार की? देखिए मीनाक्षी, जिस दिन शव को जलाया गया और जब ये तमाम खबरें मीडिया में आई, उसके बाद लखनऊ बेंच ने इसका स्वतः संज्ञान लिया था, सुओ मोटो संज्ञान लिया था, और उसी दिन इन्होंने तलब किया था राज्य सरकार के तमाम आला अधिकारियों को, जिसमें होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, और साथ साथ डीएम और एसपी भी हाथरस के आ रहे हैं। हम आपको इस वक्त की तस्वीर जरा दिखा दें। इस वक्त हम लखनऊ का जो हाईकोर्ट है, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का लखनऊ बेंच है, उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं, और बाहर गेट से लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था, यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं सुरक्षा व्यवस्था की। लेकिन आज 2:15 पर जो पीड़ित परिवार है वो, और साथ साथ जो सरकार का के तरफ से जो तमाम आला अधिकारियों को हाजिर होना है, वो सभी लोग कोर्ट में हाजिर होंगे। 2 सदस्यीय जज हैं जो कि सामने बैठेंगे, और उनके सामने परिवार अपनी बातें रखेगा, और उसके बाद जो होम सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, फिर इनसे भी सरकार, इनसे भी अदालत जो है वो पूछेगी कि आखिर इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, ये किसी तरह का इसमें स्ट्रिक्चर पास होता है या नहीं, या कोई इस पर इंस्ट्रक्शन आते हैं या नहीं, ये उस वक्त के बाद पता चलेगा। लेकिन परिवार और प्रशासन दोनों एक साथ खड़े किए जाएंगे, और परिवार अपनी बात बताएगा, और उसके बाद प्रशासन से अदालत पूछेगी। मीनाक्षी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे कुमार। जफर इस्लाम जी, ये जो आज की तस्वीर है, बहुत अहम दिन है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और सीधे पूछा था कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। हालांकि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुकी है कि परिवार से सहमति ली गई थी, उसके बाद ही शव को जलाया गया था, लेकिन परिवार ने तो इस बात से इनकार कर दिया था। आज हाईकोर्ट में क्या सरकार की तैयारी रहेगी? सरकार अपने इसी स्टैंड पर कायम रहेगी क्या? देखिए, सरकार ने अपने बिल्कुल साफ जो स्टैंड है बहुत क्लियर कर दिया, जो सच्चाई है सरकार ने बता दी है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट में आप ऑलरेडी, आपको पता है कि वहां पर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में मेरा कुछ टीका टिप्पणी करना सही नहीं होगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार ने हर चीज का ध्यान रखते हुए किया है, उनके परमिशन के बाद किया है, और ये साफ चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी बताई है। ऐसे में अगर कोई परिवार का कोई भी आदमी कुछ बाहर क्या कहता है, कोर्ट में सुनवाई होगी, कोर्ट में जो भी पक्ष रखा जाएगा उनके साथ अधिकारी भी होंगे, अधिकारी भी अपनी बात जरूर करेंगे, इसलिए कि उन लोगों ने बात की थी, उसके बाद ऐसा किया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट में होने दीजिए सुनवाई। इस वक्त जब मामला कोर्ट में चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि चाहे आप हो, हम हो, या हमारे राजपूत भाई बैठे, इस तरह की कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने जफर इस्लाम यहां पर कही, क्योंकि कोर्ट ने जिस संवेदनशीलता के साथ और मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए नोटिस दिया, उस पर पूछा कि आखिर क्या हुआ है, आज उस पर तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी, क्योंकि दोनों पक्ष, चाहे वो पीड़ित पक्ष हो या फिर पुलिस प्रशासन, उनकी तरफ से आज कोर्ट में तस्वीर रखी जाएगी। सुरेंद्र राजपूत जी, हम लगातार ये देख रहे हैं कि हाथरस के मामले को लेकर
हमने भी पुरजोर आवाज उठाई, विपक्ष लगातार सरकार पर हमले करता रहा, लेकिन जो आज की तस्वीर है, अपराध के बाद जो जो होना चाहिए, जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम वो तमाम कदम उठा लिए गए हैं, तो फिर विपक्ष क्यों इस बात का इंतजार नहीं कर रहा कि अब कम से कम कोर्ट से एक तस्वीर साफ हो या कोई क्लियर डायरेक्शन आए या कम से कम जांच के नतीजे का इंतजार किया जाए? क्यों इस मामले पर अब भी राजनीति हो रही है? मीनाक्षी, राजनीति हो रही है तभी पीड़ित पक्ष को कहीं ना कहीं न्याय मिलने की आस बंधी हुई है। राजनीति के साथ साथ कोर्ट भी अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम बड़े मुखर तरीके से कर रहा है, और तभी ये न्याय मिलने की आस लगी हुई है। क्या आप इस बात को नहीं मानेंगी? अगर हम सब लोगों ने आपके समेत अगर दबाव न बनाया होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो इस अपराध को छुपाने का कुकृत्य जो करना था वो किस हद तक किया, वो रात में शव जला करके भी किया, वो भी आपके सामने है। मुझे तो निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी, मैं बीच में नहीं टोक रहा हूँ, लेकिन मुझे जवाब देना है जी। बिल्कुल, मैं आऊंगी जफर इस्लाम जी, मैं बताता हूँ। बोलिए सुरेंद्र जी, बोलिए। जफर, मुझे आज कम से कम एक बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी ने जफर इस्लाम साहब जैसा एक सेंसिटिव प्रवक्ता इस मुद्दे पर भेजा है, वरना तो वो लोग कैसे कैसे लोग भेजते हैं वो सब लोग देखते हैं। जफर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, तो हम एक चीज आपसे कहना चाहते हैं कि राजनीति से और मीडिया के दबाव से या कोर्ट के संज्ञान से अगर पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की त्वरित प्रक्रिया हो रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि ये सारी चीजें करने की आवश्यकता सिर्फ पड़ी ही इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इतना ज्यादा इसको मैसअप किया, इस तरीके से इसको गलत किया। पहले तो उनके सूचना सलाहकार ने कहा कि फेक न्यूज है, उसके बाद डीएम के क्या जो रहा, आगरा पुलिस ने कहा फेक न्यूज है, फिर रात में उसको शव को जलाया गया, फिर एडीजी एलओ कहते हैं कि रेप नहीं हुआ है डाइंग डिक्लेरेशन के बाद भी। तो ये सारी चीजों का संज्ञान कोर्ट ले रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित तौर पर कोर्ट से पहले किसी को भी तल्ख टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज तो तय है मीनाक्षी जी कि जो भी गलतियां हुई हैं, जो कमियां हुई हैं, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है और उसको कवर अप करने के लिए जिस तरीके से एफआईआर की गई है, जिस तरीके से पीड़ित परिवार को डराया गया है, तो इस वक्त पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना हमारा आपका। और देखिए आज के दिन की बड़ी तस्वीर फिर यही है कि आज हाईकोर्ट में क्या होता है, सबकी निगाहें इस बात पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने मौलिक अधिकारों को लेकर सबसे बड़ा सवाल पूछा कि संवेदनशीलता कहां थी। जी, हाथरस कांड पर आज दोपहर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। हाथरस पीड़िता का परिवार सुनवाई में शामिल होने के लिए लखनऊ रवाना हो चुका है। सीओ और मैजिस्ट्रेट खुद कड़ी सुरक्षा में पीड़ित परिवार को लेकर जा रहे हैं। हाथरस की लड़ाई, हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में परिवार की पेशी, बंद कमरे में होगा बयान। पीड़ित परिवार को आज कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। पुलिस एक्शन पर सवाल, आला अधिकारी तलब। हाथरस की लड़ाई अब हाई कोर्ट तक आ पहुंची है। आज दोपहर बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट में बयान देने के लिए आज सुबह सुबह परिवार घर से लखनऊ के लिए निकला। परिवार को कड़ी सुरक्षा मिली है। मैजिस्ट्रेट खुद परिवार को लेकर लखनऊ निकले। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। लखनऊ बेंच की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर के परिवार के जो पांचों सदस्य हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पीड़ित परिवार में उनकी मां, उनकी भाभी, दोनों भाई, इसके अलावा पिता, पांच लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है। पूरा बकायदे पुलिस सुरक्षा में यहां से ले जाया जा रहा है। पुलिस की छह गाड़ियां इसमें लगाई गई हैं, एस्कॉर्ट गाड़ी है, इसके अलावा छह गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। पीड़ित परिवार के पांच सदस्य बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, जिनमें पीड़िता की मां, पीड़िता के पिता, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। परिवार के साथ छह गाड़ियों का काफिला है। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी साथ में लखनऊ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार की जो गाड़ी जा रही है, यही जो छह गाड़ियां हैं जिनमें सुरक्षा के लोग भी हैं, एसडीएम भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं, वो अब लखनऊ के सीधे कोर्ट में पहुंचेंगे और जज के सामने पीड़ित परिवार अपनी बात कहेगा। और दो तरफ अब डेवलपमेंट है, एक तो कोर्ट की तरफ डेवलपमेंट रहेगा कि कोर्ट का क्या रुख रहता है, कोर्ट क्या निर्देश देना चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरी तरफ जो हाथरस में
जो चल रही है जांच वो किस तरफ अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि पीड़ित परिवार से आज मुलाकात होना सीबीआई की मुश्किल है, क्योंकि आज से जब जांच शुरू करेगी तो और दूसरे पक्ष से या नौकाय वारदात पर या उसके अलावा जो तमाम जगहों पर सबूत जहां मिल सकते हैं उनकी तरफ उसको जाना। पीड़ित परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाने का प्रोग्राम था, लेकिन परिवार ने रात में जाने से इनकार कर दिया। पहले भी परिवार हाईकोर्ट में पेशी पर सुरक्षा का डर दिखा चुका है। था आज आप सभी लोग शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाईकोर्ट, तो कुछ तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? जो भी घटना है उसके बारे में ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि लखनऊ आप लोग जा रहे हो, क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई प्रस्ताव है कि सीएम साहब आप लोगों से वहाँ मिलना चाहते हैं? अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर वहाँ प्रस्ताव कोई ऐसा आता है तो कुछ आप लोगों ने अपना राय विचार बनाया है? राय विचार इसमें कोई बनाने की कोई बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूरे अमले को तलब किया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर भी शामिल हैं। करीब 1 महीने पहले हुए हाथरस कांड पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शोर है। पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार घेरे में है, पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है तो बदलते बयानों पर भी शक की सुई लटक रही है। मामले में जाति एंगल भी जुड़ गया है। आरोपी पक्ष भी अलग ही थ्योरी का राग अलाप रहा है। अब मामला हाई कोर्ट में है तो इंसाफ की आस हर किसी को है। हाथरस से राजेश सिंगल, शिवेंद्र श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। का परिवार हाईकोर्ट पहुंच रहा है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से हमारे पास आ रही है, जहां पर पूरे मुंबई रीजन में दरअसल बिजली संकट गहराया हुआ है और ग्रिड फेल होने की वजह से ये परेशानी पैदा हुई है। शहर के कई इलाकों में पूरी तरह से बिजली कट गई है। ये राजधानी मुंबई से खबर आ रही है, महाराष्ट्र की राजधानी, जहां पर ग्रिड फेल होने की वजह से शहर भर में अंधेरा हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मुंबई थाने के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, बिजली नहीं है। थाने के एक बड़े इलाके से भी बिजली गायब है। ग्रिड फेल होने की वजह से ये संकट आया है। इस वक्त ये खबर हमारे पास आ रही है, आपको इसकी डिटेल्स और देंगे। लेकिन मुंबई रीजन जहां पर बिजली गायब होने की वजह से परेशानी की बात सामने आ रही है, हालांकि इसके क्या तमाम कारण रहे, टेक्निकल फॉल्ट किस तरह का रहा, इस पर और डिटेल हम जुटाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा इलाका है जहां पर इस वक्त बिजली का ये संकट छाया हुआ है। ग्रिड फेल होना वजह बताया जा रहा है, लेकिन मुंबई थाने कई और ऐसे हिस्से हैं जहां पर पूरी तरह से बिजली कट गई है। ये एक बड़े संकट की खबर फिलहाल सामने आ रही है। ग्रिड फेल होने से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसका असर हुआ है। ईस्ट और वेस्ट मुंबई के अलावा सबअर्ब्स पर भी बड़ा असर पड़ा है। थाने के एक बड़े इलाके में बिजली चली गई है, ये शुरुआती जानकारियां हमें इस वक्त मिल रही हैं। आपको हम ग्राउंड से और डिटेल्स इस पर देंगे। लेकिन बी बेस्ट ने ग्रिड फेल होने की ये बात की है। हालांकि कितना समय अब ये और प्रभावित रहेगा और कितने समय में ये अब दुरुस्त हो पाएगी बिजली की व्यवस्था, इस पर भी आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन मुंबई वासी इस वक्त संकट में, क्योंकि पूरे रीजन में बिजली जाने की वजह से मुश्किल पैदा हो गई है। ग्रिड फेल होने से मुंबई में ये बिजली गई है और सबर्ब्स भी ऐसे हैं, यानी मुंबई से लगने वाले वो इलाके, थाने, इसके अलावा कुछ और हिस्से जहां पर परेशानी पैदा हुई है। साहिल जोशी जुड़ गए हैं, उनके पास और ज्यादा जानकारी है। साहिल देखिए, इलेक्ट्रिसिटी फेल्योर की बात मुंबई में सामने आ रही है। दरअसल जो टाटा का इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें इंटरप्शन हो गया है, जिसके वजह से जो टाटा से आने वाला इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें फेलियर हो गया है, जिसके वजह से मुंबई के ईस्टर्न सबर्ब्स में खास करके और मुंबई के कुछ पश्चिमी उपनगरों में भी, मुंबई शहर में इलेक्ट्रिसिटी फेलियर देखा गया है। कई जगह पे बिजली गुल है। उसके साथ साथ जो ट्रेन सर्विसेज चलाई जा रही है फिलहाल, खास करके इसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोगों के लिए, तो खबर ये भी आ रही है कि सेंट्रल रेलवे की ट्रेनें कई जगह पे, लोकल ट्रेनें भी रुकी हुई है पिछले आधे घंटे से। उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं, उसके चक्कर में शहर के कई इलाकों में बिजली गई हुई है, लेकिन उसको रिस्टोर करने की कोशिश। कुछ इन्फॉर्मेशन कब तक दुरुस्त हो पाएगी समस्या? देखिए, बीएसटी का ये कहना है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मुंबई शहर में करती है, उनका कहना है कि वॉरफुटिंग पे काम चल रहा है और जल्द से जल्द ये ठीक होने की संभावना जताई जा रही है।
दरअसल इसे ग्रीड फेल्यूर कहा जाता है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, मतलब सिर्फ मुंबई में नहीं तो मुंबई के आसपास के इलाकों में भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक सप्लाई में दिक्कत देखी जा रही है। शुक्रिया साहिल आपका इस जानकारी के लिए। आपसे अपडेट्स हम आगे लेते रहेंगे। मुंबई और सबर्ब्स के कुछ इलाकों में इस वक्त समस्या है क्योंकि ग्रिड फेल होने की वजह से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर बिजली इस वक्त मौजूद नहीं है। लोकल ट्रेन की आवाजाही तक पर असर पड़ा है। और अब रुक करते हैं आज की उस बड़ी खबर का जिस पर पूरे देश की निगाहें होंगी, हाथरस कांड। दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। हाथरस पीड़िता का परिवार सुनवाई में शामिल होने के लिए लखनऊ रवाना हो चुका है और रास्ते पर है, किसी भी वक्त लखनऊ पहुंचेगा। कड़ी सुरक्षा के बीच परिवार को ले जाया जा रहा है जिसमें आला अधिकारी भी मौजूद हैं। हाथरस की लड़ाई हाईकोर्ट में सुनवाई, कोर्ट में परिवार की पेशी, बंद कमरे में होगा बयान। पीड़ित परिवार को आज कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। पुलिस एक्शन पर सवाल, आला अधिकारी तलब। हाथरस की लड़ाई अब हाईकोर्ट तक आ पहुंची है। आज दोपहर बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट में बयान देने के लिए आज सुबह सुबह परिवार घर से लखनऊ के लिए निकला। परिवार को कड़ी सुरक्षा मिली है। मजिस्ट्रेट खुद परिवार को लेकर लखनऊ निकले। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। लखनऊ बेंच की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर के परिवार के जो पांचों सदस्य हैं, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो पीड़ित परिवार में उनकी माँ, उनकी भाभी, दोनों भाई, इसके अलावा पिता, पांच लोगों को यहां से ले जाया जा रहा है। पूरा बकायदे पुलिस सुरक्षा में यहां से ले जाया जा रहा है। पुलिस की छह गाड़ियां इसमें लगाई गई हैं, एस्कॉर्ट गाड़ी है, इसके अलावा छह गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। पीड़ित परिवार के पांच सदस्य बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट जा रहे हैं जिनमें पीड़िता की माँ, पीड़िता के पिता, दोनों भाई और भाभी शामिल हैं। परिवार के साथ छह गाड़ियों का काफिला है। एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ भी साथ में लखनऊ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पीड़ित परिवार की जो गाड़ी जा रही है, यही जो छह गाड़ियां हैं जिनमें सुरक्षा के लोग भी हैं, एसडीएम भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं, वो अब लखनऊ के सीधे कोर्ट में पहुंचेंगे। और पीड़ित परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाने का प्रोग्राम था लेकिन परिवार ने रात में जाने से इनकार कर दिया। पहले भी परिवार हाईकोर्ट में पेशी पर सुरक्षा का डर दिखा चुका है। आज आप सभी लोग, शासन के लोग भी आ गए हैं, लखनऊ जा रहे हो हाईकोर्ट, तो तैयारी है आप लोगों की? कोर्ट जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे रखेंगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने पूरे अमले को तलब किया है। इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर भी शामिल हैं। करीब एक महीने पहले हुए हाथरस कांड पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शोर है। पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार घेरे में है। पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है तो बदलते बयानों पर भी शक की सुई लटक रही है। मामले में जाति एंगल भी जुड़ गया है। आरोपी पक्ष भी अलग ही थ्योरी का राग अलाप रहा है। अब मामला हाई कोर्ट में है तो इंसाफ की आस हर किसी को है। हाथरस से राजेश सिंगल, शिवेंद्र श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो मामला आज न्याय के मंदिर तक पहुंच रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पर पीड़ित परिवार पहुंचेगा और अपनी बात रखेगा और हम भी अलग अलग पक्षों से बात कर रहे हैं लेकिन आपको सीधे इस वक्त हम ले चलते हैं हाथरस, क्योंकि एक तरफ लखनऊ पहुंच रहा है परिवार लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई की टीम तो हाथरस में मौजूद है। और जितेंद्र, हमें ये बताइए, सीबीआई की टीम बीती रात वहां पहुंची, किस तरह से वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका क्या रुख है अभी तक के मामले पर? बिल्कुल मीनाक्षी, सीबीआई की टीम लगातार जांच करने में जुट गई है। सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर लिया इस पूरे मामले में और सीबीआई की टीम ने तमाम दस्तावेज जो हैं वो सारे इकट्ठे कर लिए हैं चंदपा पुलिस थाने से। जानकारी ये है, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं मीनाक्षी, इसी जगह पर सीबीआई की जो टीम है वो यहां पर आ सकती है। सीन ऑफ क्राइम की ये वो जगह है जहां पर 14 सितंबर को पीड़िता के साथ आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के
सीबीआई की टीम कुछ देर बाद यहां पर पहुंच सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई इससे पहले कल 3 बजे के आसपास हाथरस में पहुंची थी और यहां पर तमाम लोगों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद थाने से जो वो एफआईआर की डिटेल, इसके अलावा दस्तावेज अपने हाथों में लिया। उसके बाद सीबीआई की टीम, जो स्पेशल टीम गठित की गई है, वो अधिकारी हाथरस जिले में मौजूद हैं और कई अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी यह है कि एसआईटी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे भी सीबीआई के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। एसआईटी के अधिकारियों ने किस तरीके की जांच की और उनकी विस्तृत रिपोर्ट किस तरीके की है, इन तमाम चीजों को लेकर के जानकारी हासिल की जा रही है। वहीं आपको दिखा दें कि ये जो सीन ऑफ क्राइम वाली जगह है, यहीं पर अब से थोड़ी देर बाद ऐसी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि सीबीआई की टीम आज यहां पर आ सकती है और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकती है कि आखिर 14 तारीख को किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके अलावा सीबीआई के पास पुलिस का वो वीडियो भी है जिसके आधार पर वो तफ्तीश करेगी कि कैसे। देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जितेंद्र, देखिए अपने तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो कई ऐसे पहलू होंगे जो जांच के दायरे में आएंगे। हमारे साथ यहां पर पॉलिटिकल पार्टी से भी गेस्ट मौजूद है, बीजेपी और कांग्रेस से जफर इस्लाम साहब और सुरेंद्र राजपूत जी। ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं आप दोनों के पास ये सवाल लेकर आ रही हूं इसलिए क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में आप सब सत्ता में हैं, केंद्र में बीजेपी है तो राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की भी है, और ये सवाल आज के इस दौर में एक बड़े परिप्रेक्ष्य में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एक छवि ऐसी बन रही है कि अगर कोई अपराध होता है और पीड़ित जाता है शिकायत करने के लिए तो जांच अधिकारी है या पुलिस है या प्रशासन व्यवस्था है, वो उसकी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते? पीड़ित को क्यों सबूत देने पड़ेंगे कि उसके साथ गलत हुआ है? आप चाहे ये घटना हाथरस में देख लें जफर इस्लाम जी, या फिर जहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है करौली में जो कुछ हुआ, पहले तो जांच अधिकारी ने यही कहा ना कि पुजारी को जलाया नहीं गया, उसने आत्मदाह किया है। ये जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, जो हम परिस्थिति देख रहे हैं, ये क्यों है? और इसके लिए तो वही सरकारें जिम्मेदार होंगी ना जो उन पर्टिकुलर इलाकों में सत्ता में है। मैं चाहूंगी आप दोनों इसका जवाब दें। जफर इस्लाम साहब पहले आप। मीनाक्षी जी मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं जो पहले सवाल उठाया था राजपूत जी ने, मैंने कहा आज मैं टिकट टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि मामला चुके कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ टिकट टिप्पणी की। मैं उसके जवाब में, आपने बोला था कि आप मौका देंगे तो आपने दिया, मैं पहले जवाब देना चाहता हूं। देखिए, हमारी संवेदनशील सरकार है, हमारी पार्टी भी संवेदनशील सोच की पार्टी है, हम कभी भी इस तरह की चीजों पर राजनीति नहीं करते, लेकिन इतिहास देखिए कांग्रेस का और राहुल गांधी जी का, वो इसी चीजों के बारे में सेलेक्टिव अप्रोच है और इस पर राजनीति करते हैं। मैं पूछता हूं कि जो उनकी भाषा रही और जो उनकी पार्टी के लोगों की भाषा रही और जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया और जिस तरह की बातें कही उन्होंने कि लाशों के ढेर पे जो है राजनीति करने का जो उनका तरीका है वो उन्होंने दिखाया और जातिगत दंगे कराने की कोशिश की, ये किया कि नहीं बताइए। अब हमने तो इसको सीबीआई को सौंप दिया, भाई सीबीआई जो है प्रीमियम एजेंसी जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच के लिए भी हम हर तरह से तैयार हैं, इसलिए कि हमारे में कोई खोट नहीं इसलिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं पूछता हूं उनसे, राजपूत भाई से, कि क्या राजस्थान में आपने जो गृह मंत्री है वही मुख्यमंत्री, गृह मंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो नहीं निभा रहे हैं, वो जासूसी करवाते हैं अपने लोगों पे, अपने एमएलए पे कि वो कहां किधर किससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो जितने करप्शन बढ़ रहे हैं, जो क्राइम ब्यूरो में देखिए तो नंबर वन पे जो है राजस्थान, क्यों? इसलिए कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री के पोस्ट पे भी संभाल के रखा है, लेकिन वहां पर उनकी चिंता बिल्कुल जीरो है, करप्शन वहां पर क्राइम जो है वो एकदम रैम्पेंट है, लेकिन मुख्यमंत्री को चिंता सिर्फ अपनी गद्दी की है। वरना आज देखिए अपराधी, आपने सही कहा, अब तक अपराधी जितने बड़ी क्राइम किया अभी तक नहीं पकड़ में आया और एफआईआर फाइल करने की उनकी कोशिश। जफर इस्लाम जी, देखिए सवाल मैंने भी यही सवाल पूछा, जफर इस्लाम जी मैंने भी यही सवाल पूछा, सुरेंद्र राजपूत जी देखिए वही बात हो रही है ना, बीजेपी का हाथरस, करौली का कांग्रेस का करौली, सिचुएशन परिस्थिति तो वही है। करौली में भी हम देख रहे हैं कि जांच अधिकारी सीधे ये कह देता है कि नहीं आत्मदाह हुआ है, उसको जलाया नहीं गया, बाद में देखिए तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। ये जो असंवेदनशीलता है पीड़ित के प्रति, ठीक है देश के हर कोने में आप अपराध नहीं रोक सकते, हर जगह पर पुलिस मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन अपराध होने के बाद जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाने में सरकारें क्यों असफल हो जाती हैं? मीनाक्षी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। जफर भाई एक प्रश्न के आयाम को ही दूसरा कर गए, मुझे दुख है इस बात का, और आज इनके राज्यसभा बनने के बाद हम लोग पहली बार बहस कर रहे हैं तो कोई निजी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे दो तीन बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। हाथरस वर्सेस करौली या हाथरस वर्सेस अलवर या हाथरस वर्सेस कहीं पर भी, सच बात यह है कि अगर किसी भी जांच अधिकारी ने कोई भी असंवेदनशीलता बरती तो राजस्थान सरकार ने उसका संज्ञान लेकर के त्वरित कार्रवाई की,
और वहां पर सच सामने आ गया, वहां पर सच सामने आने के लिए ना धारा 144 लगानी पड़ी और ना ही हमें कोई रात में कोई बातें कोई काम करने पड़े किसी भी तरीके का। अलवर का कांड था आपको याद है, राहुल गांधी स्वयं गए और एक साल के अंदर न्याय आ गया और चारों आरोपी जो है कहीं ना कहीं आजीवन कारावास के लिए चले गए। लेकिन हाथरस में क्या हो रहा है, हाथरस में कुकृत्य को छुपाने के लिए पहले सूचना सलाहकार कहते हैं कि साहब फेक न्यूज है, उसके बाद डीएम रात में शव जलवा देता है, कहीं उच्च अधिकारियों ने कहा है, मंत्रियों ने कहा है। तो यहां पर दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, एक सरकार अपराध को छुपा रही है तो इसका मतलब जो असंवेदनशील अधिकारी हैं उनको प्रश्रय दे रही है, और दूसरी सरकार अपराध के करने के बाद अपराध के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में होने के बाद उसका सारा सच सबके सामने मीडिया के सामने जनता के सामने ला रही है और पीड़ित परिवार से तुरंत बात करके उसको न्याय दिलाने का काम कर रही है। सुरेंद्र राजपूत जी ये दलील देखिए, मैं यही बात कह रही थी कि जहां पर जिस पार्टी जी, की सरकार जी, है, वहां पर क्यों फेल हो रही है वो सरकार व्यवस्थाओं को बनाए रखने में और संवेदनशील होने के लिए। बहरहाल आज हाईकोर्ट में मामला है और हाईकोर्ट में आज जो है दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे जिस पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जी जफर इस्लाम जी, आप इस पर एक क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए, आप बोलना चाह रहे थे जफर इस्लाम जी। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि देखिए ये बिल्कुल, मैं इतना मीनाक्षी जी 10 सेकंड में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने कि किसी तरह भी हम जो है कोशिश करते हैं और राजस्थान में ये हो गया वो हो गया, लेकिन मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल करता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको सीबीआई को एक मिनट सुनिए राजपूत जी, सीबीआई को सौंप दिया है, उसी तरह राजस्थान भी क्यों नहीं सौंप देती, उसी तरह महाराष्ट्र की सरकार जो है, जो हम बार बार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, वो सीबीआई को सौंप दीजिए, राजस्थान के मामले को भी, महाराष्ट्र के मामले को भी सीबीआई को सौंप दीजिए, तब हमें समझेंगे कि आप चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं न्याय मिले, लेकिन आपके न्याय देना नहीं चाहते, आप राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई राजनीति करना बंद कीजिए, लाशों की ढेर की राजनीति आपने बहुत की थी, अब राजनीति बंद कीजिए, जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं वो राजनीति आप देश में नहीं हो पाएगी, इसलिए कि देश में चिंता जाती है कि आपका एक एक्सेप्ट पैटर्न बन गया है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट भाई मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं मैं तो इतना कह रहा हूं कि देखिए सीबीआई का नोटिफिकेशन आपने 10 दिन बाद मैं तो सिर्फ ये उत्तर मैं कह रहा हूं हर सरकारों को ऐसा करना चाहिए, जब एफआईआर करने कोई भी पीड़ित उत्तर प्रदेश का परिवार एफआईआर करने आए तो उसकी बात सुननी चाहिए, वो गुहार लगाए उससे पहले सुननी चाहिए, तो मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन अगर आप आपको और मेरी आपसे निवेदन है आप, कि राजस्थान जाइए तो बताइए ना, मुख्यमंत्री गृह मंत्री सुरेंद्र राजपूत जी मुझे बताइए, अगर बार बार कांग्रेस की तरफ से हाथरस के मामले को उठाया जा रहा है, हाथरस में सीबीआई तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अशोक गहलोत क्यों ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमने तो जो है सीआईडी को मामला दे दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है व्यवस्थाएं ठीक दिखाई नहीं देती है, जबकि हम ये देख रहे हैं कि करौली के ही मामले में दो ही आरोपी गिरफ्तार हुए हैं ना, बाकी चार आरोपी तो अभी भी फरार हैं। जिम्मेवारी से कह रहा हूं मीनाक्षी, जिम्मेवारी नहीं तो अशोक गहलोत जी को इस बारे में स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है, चार आरोपी तो फरार है अभी करौली में, जिम्मेदारी का पूरा दिवाली है तो जिसमें ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए था। और बेहूदगी से उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री और भारत सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बड़ी बेशर्मी से करौली के सामने, चलिए विपक्ष यहाँ पर आलोचना कर रहा है, लेकिन आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत बड़ा मामला पहुंच रहा है और आज का दिन कम से कम दूध का दूध पानी का पानी होगा जब अलग अलग पक्ष कोर्ट के सामने, जज के सामने, न्यायमूर्ति के सामने बात रखेंगे, उस पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। मेरे बेटे निर्दोष हैं। कौन सी चाली है ये झूठ वाली हम कराए, और सीबीआई जांच से सच सामने आए और ठीक है वो संतुष्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा है तो ठीक है। कई तरह की शंकाओं, कई तरह के आरोपों और कई तरह की साजिशों में लिपटे हाथरस कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई लग गई है। सीबीआई हाथरस कांड में पहली एफआईआर दर्ज करते ही पीड़िता के गांव पहुंच गई। हाथरस मामले में सीबीआई ने चंदपा पुलिस स्टेशन की उसी एफआईआर को आधार बनाया है जो कि 14 सितंबर को दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में सिर्फ संदीप को ही आरोपी बनाया गया था, यानी इसी आधार पर जांच करते हुए सीबीआई
अब कदम दर कदम आगे बढ़ेगी और बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में इस बेहद उलझी हुई रेप और हत्या की गुत्थी को परत दर परत खोल सके। यानी यूपी पुलिस ने हाथरस कांड की जांच जहां तक की है वहां से सीबीआई अपनी जांच की शुरुआत कर चुकी है। सीबीआई उधेड़ने लगी है हर उस परत को जिसमें पीड़िता के साथ हुई हैवानियत का सच दफन है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद हाथरस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और इसके लिए बाकायदे एक स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया है। सीबीआई अब उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एफआईआर है वो अपने हाथों में लेकर के तमाम दस्तावेजों के आधार पर आगे की जांच करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की एक स्पेशल टीम यहां पर पहुंचेगी और लगातार फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ उन तमाम बिंदुओं की छानबीन करेगी जिससे कि सच सामने आ सके। सीबीआई ने यूपी पुलिस की एफआईआर को आधार बनाते हुए जांच शुरू की है। सीबीआई की एफआईआर में गैंगरेप, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगे हैं। सीबीआई की धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 376 डी यानी सामूहिक दुष्कर्म, धारा 302 यानी हत्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामले के तहत केस दर्ज किया है। सीबीआई में हाथरस मामले की जांच गाजियाबाद सीबीआई यूनिट में तैनात डीएसपी सीमा पाहुजा करेंगी। सीमा पाहुजा एक तेज तर्रार महिला अफसर हैं जो हिमाचल प्रदेश के गुड़िया मामले की जांच भी कर चुकी हैं। उन्हें बेहतरीन जांच के लिए पुलिस पदक से लेकर कई सम्मान मिल चुके हैं। जांच की शुरुआत में सीबीआई सबसे पहले यूपी पुलिस से हाथरस केस के सभी दस्तावेज अपने हाथ में लेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, वारदात के दिन परिवार के लोगों के मोबाइल लोकेशन, आरोपियों के मोबाइल लोकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूत और वैज्ञानिक सबूत को हासिल किया जाएगा। एक बार वैज्ञानिक सबूतों को परखने के बाद सीबीआई की टीम चश्मदीदों के बयान लेगी, पीड़ित परिवार से बात करेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी और फिर इन तमाम बयानों का वैज्ञानिक सबूतों से मिलान होगा। देखिए सीबीआई करे चाहे कुछ भी करे, हमें तो बस न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस चाहे कोई भी करे, बस गलत निर्णय न करे, हमारे जो साथ है करे बस। हाथरस कांड उत्तर प्रदेश के माथे पर बदनुमा इश्तहार बनकर चिपका है। जाहिर सी बात है कि सीबीआई से एक आस है कि वो इंसाफ दिलाएगी। हाथरस में रेप और हत्या के मामले में सीबीआई के लिए भी जांच करना इतना आसान नहीं होगा। करीब एक महीना बीत जाने के बाद अगर सीबीआई जांच शुरू करती है तो तमाम सबूत या तो मिट गए होंगे या फिर मिटा दिए गए होंगे। ऐसे में चुनौती इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के सहारे जांच को आगे बढ़ाने की होगी, क्योंकि उसी के आधार पर यह तय हो पाएगा कि आखिरकार पीड़ित पक्ष और आरोपी लोगों के जो बयान हैं उनमें सच्चाई क्या है। अब सबकी निगाहें सीबीआई जांच पर टिकी हैं। उम्मीद है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की पड़ताल में कई अहम खुलासे सामने आएंगे। हाथरस से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।